Assalamualaikum friends, I hope you are all well and pretty safe. Friends, today I am going to record video on public demand. The demand was that we be told some useful tricks about WhatsApp. So let's start it. Friends, जो सबसे पहली ट्रिक्स है वो ये है कि हम किस तरह अपने WhatsApp को हैकर की पहुंच से दूर रखें, यानी किस तरह अपने WhatsApp को महफूज करें. तो उसके लिए हमें एक सेटिंग अप्लाई करनी है WhatsApp में, जिसे टू स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं. तो इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले व्हाट्सअप ओपन कर लेना है. व्हाट्सअप ओपन करने के बाद आप लोगों ने ये तीन डॉट पे क्लिक करना है. इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ये नीचे सेटिंग पे क्लिक करना है. सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना है. अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ये यहाँ पे टू स्टेप वेरीफिकेशन पे क्लिक करना है. इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ये इनेबल पे क्लिक करना है. और इनेबल पे क्लिक करने के बाद आप लोग को ये इंटरफेस नज़र आएगा. यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी चेंज हो का पिन नंबर दर्ज करना है, जो बाद में आपको याद भी हो. तो मैं दर्ज कर रहा हूँ कोई भी, आप लोग अपना कोई भी नंबर यहाँ पे दर्ज कर सकते हो. इसको दोबारा कंफर्म करोगे. अब इसको कंफर्म करने के बाद यहाँ आप लोगों को ये इंटरफेस नज़र आएगा. इसका मतलब ये है कि आप लोग अपना अगर आप लोग का ईमेल बना है तो यहाँ पे आप लोग अपना ईमेल दर्ज कर सकते हो. इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपसे ये पिन नंबर जो आपने दर्ज किया है ये भूल जाए तो आप ईमेल के ज़रिए रिकवर कर सकते हो. और अगर आप ईमेल नहीं बना है तो आप इसको स्किप कर सकते हो. तो मेरे ईमेल बना है, लेकिन बहुत से फ्रेंड्स ये हैं उसके ईमेल नहीं बने हैं, तो उनकी फ़ायदे के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. तो आप स्किप करोगे और यहाँ पे आप लोगों ने ओके पे क्लिक करना है. इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का ये जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो जाएगा. तो अब आपका कोई भी व्हाट्सएप हैक नहीं हो सकता, कोई भी आपके व्हाट्सएप को हैक नहीं कर सकता. फ्रेंड, नेक्स्ट जो ट्रिक्स है वो ये है कि हम किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए बगैर अपने व्हाट्सएप को लॉक लगा सकते हैं. तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले व्हाट्सअप ओपन करना है. व्हाट्सअप ओपन करने के बाद आप लोगों को ये तीन डॉट पे क्लिक करना है. इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे सेटिंग पे क्लिक करना है. सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना है. अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ये प्राइवेसी पे क्लिक करना है. और यहाँ पर आप लोग को नीचे आना है और यहाँ पर लास्ट में जो है फिंगर प्रिंट लॉक, इस पर क्लिक करना है. इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को इसको ऑन करना है, चेक इन करना है. और यहाँ पे सेंसर के ज़रिए इसको कंफर्म करना है, कंफर्म फिंगर प्रिंट करना है. फिंगर करने के बाद आप लोग का ये डन हो गया. तो और यहाँ पे आप लोग अगर चाहते हो कि एक मिनट के बाद इस व्हाट्सएप पे लॉक लग जाए तो ये एक मिनट के लिए कर सकते हो, इमीडिएटली कर सकते हो, मतलब फौरन आपके यूज़ करने के बाद आप इसको लॉक कर सकते हो. फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो ट्रिक्स है वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि किसी भी फ्रेंड का मेरे पास मैसेज आ जाए और मैं उसको सीन करूं, लेकिन उस फ्रेंड के पास ये शो ना हो कि मैंने उसका मैसेज सीन किया है कि नहीं, तो इस सेटिंग के लिए आप लोगों को सबसे पहले व्हाट्सअप ओपन करना है. व्हाट्सअप ओपन करने के बाद आप लोगों को ये तीन डॉट पे क्लिक करना है. तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये नीचे सेटिंग पे क्लिक करना है. सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये अकाउंट पे क्लिक करना है. अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये प्राइवेसी पे क्लिक करना है. प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये जो चीज़ होता है, ये रीड रिसीट जो होता है, ये बाई डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, लेकिन आप लोगों ने इसको ऑफ़ करना है. तो इसको ऑफ़ करने के बाद अब आप लोग की ये सेटिंग अप्लाई हो गई है. तो अब मैं इसको प्रूव भी करता हूँ. यहाँ से मैं अपने दूसरे व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ और देखता हूँ कि ये सेटिंग अप्लाई हो गई है कि नहीं. तो अब ये दूसरे व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज आया है, तो मैं इसको सीन करता हूँ. ये मैंने सीन किया, लेकिन वहाँ पे वो शो नहीं होगा कि मैंने ये मैसेज सीन किया है कि नहीं. देखो, यहाँ पे मैंने मैसेज किया था, लेकिन और वहाँ पे मैंने देख भी लिया, लेकिन यहाँ पे शो नहीं होता कि मैंने वहाँ पे मैसेज सीन किया है कि नहीं. तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक्स, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, और साथ में पेज को भी लाइक करें.